आगे पढ़ने वाले सीमेंट का अलजेब्रा का क्या फैक्टराइजेशन। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन का कोई दो एग्जांपल जो बहुत इजी था, पर ये जो एग्जांपल है वो हार्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फैक्टराइजेशन बहुत जल्दी से। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो क्या ये तीन को छोड़ देना है, ओके बराबर ये तीन को छोड़ देना है, ये दो को देखना है। ये दो को देखने के बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए इधर का साइन देखना है माइनस की प्लस, अगर माइनस है तो हमें क्या करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों में से होगा, गारंटी ही गारंटी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर क्या है माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लिखते हैं क्या सोल्यूशन, मान लीजिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या आता है, मान लीजिए क्या मैंने बोला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या है माइनस, तो क्या पहले लिखेंगे हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 ए में क्या है 1, तो इधर क्या होगा 1, बी में क्या है इधर 2lx, 2 से कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा 6, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू जै 12, यानी क्या हो गया हमारा 6, 2ab हो गया। देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या b का होल स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 6, 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या करेंगे हम लोग 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए इधर कोई भी नंबर आएगा, अगर प्लस में है तो इधर पर माइनस स्क्वायर करेंगे, अगर इधर माइनस स्क्वायर किया तो इधर प्लस, स्पेशली अगर क्या प्लस ही आता है कि सब दोनों फॉर्मूला है प्लस है लास्ट में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें प्लस है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें भी प्लस है, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस 6 स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेम का संसार के लिए माइनस 28 प्लस 16y माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या देखिए ये क्या का फॉर्मूला है एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या है माइनस, अब ये तो हो गया तीनों, अब बचा क्या हमारा ये चार बचा, ये क्या है माइनस 36 माइनस 28 प्लस 16y माइनस वाई स्क्वायर, ओके ये बराबर है। अब क्या है मान लीजिए पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 36 माइनस 28 क्या होता है हमारा 36 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया माइनस 64 है। इधर क्या है सेम कर दीजिए प्लस 16y माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या है साइन माइनस, तो ये सब क्या हो गया सबके लिए माइनस है तो सब चेंज हो जाएगा इधर, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स माइनस 6 ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस माइनस इधर करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा 64 ऐसा क्या है ऐसा, ये क्या प्लस तो इधर क्या हो गया माइनस 16y, इधर क्या है ये होगा प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी क्या है मान लीजिए जैसे हम लोग अरेंज कर देते हैं एक्स माइनस 6 ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64। अब ये भी क्या ये मान लीजिए क्या हमारा 8 का होल स्क्वायर है, तो ये कौन सा फॉर्मूला मिल गया वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा या ए प्लस बी का होल स्क्वायर जाएगा, इसमें क्या गया वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा मान लीजिए एक्स माइनस 6 बी होल स्क्वायर, एक और प्रोसेस लिख दीजिए क्या वाई स्क्वायर माइनस 218, तो वाई 8 का स्क्वायर था 8 प्लस 8 की होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या करिए एक्स माइनस 6 ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8 दी होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है ये एक है ये एक,
ए क्या हमारा जाएगा, मान लीजिए इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो हमारा कौन फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसे हमने किया हमारा ए, इसे बी, तो ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे हमने क्या मांगा था ए, इसे बी, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले क्या लिखा जाएगा ए, ए क्या है हमारा एक्स माइनस सिक्स, ओके ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या ए माइनस बी क्या है वाई माइनस एट, वाई माइनस एट, इधर साइन क्या है माइनस का, हमारे इधर एक और ब्रैकेट लिखा जाएगा, ऐसे कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। तो हमें क्या पढ़ा था ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या आ जाएगा फिर, ये क्या है ए, ए इसे क्या हमने लिख दिया था ए, तो एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स हो गया ये, एक्स माइनस सिक्स प्लस बी क्या है वाई माइनस एट, इसमें कोई भी, चलिए अब इधर देखिए एक्स माइनस सिक्स माइनस है माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, एक्स माइनस सिक्स माइनस वाई प्लस एट, इधर क्या हो गया एक्स माइनस सिक्स प्लस वाई माइनस एट। अब चलिए इधर देख लीजिए, अब जगह नहीं से यहाँ लिख देते हैं, इधर क्या है एक्स माइनस सिक्स माइनस वाई प्लस एट, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस, साइन क्या कर देना आगा का, जो अगारी का साइन होगा जो इसमें लिखा जाएगा, तो क्या है प्लस प्लस एट माइनस सिक्स, इधर क्या हो जाएगा प्लस टू, प्लस टू, एक क्या है एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस माइनस एट माइनस सिक्स क्या हो जाएगा माइनस फोर्टीन। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो कभी सर मैं ऐसे ही सॉल्व करूँ, सबसे पहले क्या देखना है ये तीन डिजिट को इधर छोड़ देना है, तीन जो नंबर है तीन टॉप भी इसको छोड़ देना है, उसके बाद दो टर्म देखना है, कभी क्या फॉर्मूला जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ के इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद माइनस ये आएगा या प्लस आएगा, माइनस प्लस आएगा छोड़ देना है, माइनस या साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करने के बाद क्वेश्चन में आएगा, इसके बाद इसे फॉर्मूला में तोड़ के पूरा नंबर में लिख के सॉल्व कर देना, तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या है, मान लीजिए अगर हम लोग का क्या दो डिजिट में दिया तो क्या होगा, मान लीजिए वेरिएबल भी है आया हमारा कॉन्स्टेंट भी है, वेरिएबल अगर टू हो तो कैसे कम वेरिएबल, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर टू में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है ए फाइव प्लस एट ए स्क्वायर बी क्यू, ओके मान लीजिए इधर क्या करना है हम लोग को, इसमें देख लीजिए कॉमन, मान लीजिए दोनों में क्या है इसमें भी है इसमें भी है बराबर है, इसमें भी है इसमें भी है, पहले क्या लिख देते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन को साथ लीजिए ए प्लस एट ए स्क्वायर बी क्यू, अब इसमें क्या है ए, तब देखना है मेरे कौन सा छोटा है, मान लीजिए पहले दोनों में ए तब ए कौन बनेगा, ये तो मान लीजिए ये तो हो गया, अब देखना है कौन सा छोटा है, ए फाइव ए स्क्वायर में कौन छोटा है ए स्क्वायर, ए फाइव और ए स्क्वायर में क्या छोटा है ए स्क्वायर, हमें क्या कौन बनेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ठीक है, अब ब्रैकेट कर दीजिए, मान लीजिए ए स्क्वायर इधर फाइव है, तो मान लीजिए टू प्लस थ्री क्या होता है फाइव, मान लीजिए इधर हम लोग मान लीजिए एडिशन के फॉर्म में टू लिखेंगे इधर थ्री लिखेंगे, तो ये क्या हो रहा है हमारा ए फाइव, ये प्लस हो जाता है इंडिशन, तो इधर क्या होगा ए पावर होल दी क्यू हो गया, इधर देखिए एट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट गया, मान लीजिए एट ए स्क्वायर बी क्यू कॉमन किया है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट गया, तो बचा गया हमारा एट बी होल दी क्यू। अब ऐसे ही छोड़ना नहीं है, अब देखना है क्या है, मान लीजिए ए क्यूब है प्लस एट बी क्यूब है, हमको पता है टू का क्यूब क्या होता है एट, तो क्या फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देन ए क्यूब प्लस टू बी क्यूब होल क्यूब टूट गया, तो मान लीजिए क्या हो गया ए स्क्वायर
कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए, इसके बाद ए फोर क्यूब प्लस टू बी फोर क्यूब, ये हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है वाट, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। चलिए ये फॉर्मूला हम लोग करते हैं। हमारे लिए क्या हो गया ए स्क्वायर, देखिए फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइज हम क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ए स्क्वायर कर लीजिए, मान लीजिए ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी तो क्या हो गया हमारा ए प्लस टू बी, ये हो गया। अब देखते हैं ए स्क्वायर, ए में क्या है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी देन टू ए बी, क्या हो गया टू ए बी प्लस टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो टू बी क्या हो गया हमारा फोर बी ए स्क्वायर। तो ऐसा वेरिएबल का क्वेश्चन है तो पहले क्या करना है, देखना है दोनों में कौन सा वेरिएबल सेम है, तो दोनों में कौन सा ए सेम है, इसके बाद देखना है पावर किसका कम है, पावर किसका कम है ए स्क्वायर का, तो हमें क्या लेना है ए स्क्वायर, और इंडिस में क्या देखना है मान लीजिए टू प्लस थ्री क्या होता है फाइव, इंडिस रूल में जिसमें कॉमन क्या आएगा क्यू, तो ऐसे ऐसे करके सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे थोड़ा कठिनाई है हार्ड है पर ये भी वेरिएबल वाला है। चलिए तो बात करते हैं, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री में भी क्या है वेरिएबल प्लस कंस्टेंट, ये सब क्या हो गया हमारा वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स क्या लेटर होता है जो अल्फाबेट होता है, और कंस्टेंट मीन्स क्या नंबर वन से लेकर हंड्रेड से जो भी है चलिए थाउजेंड में जो भी है, मान लीजिए क्या हो गया हमारा वेरिएबल कंस्टेंट, तो मान लीजिए क्या हम करेंगे सोल्यूशन लिख लेंगे। अब क्या करना है क्वेश्चन को साथ दीजिए, थ्री ए फोर प्लस ए क्यू बी माइनस टेन ए स्क्वायर बी होल स्क्वायर, मैंने क्या बोला था देखना है कौन में सबसे, मान लीजिए कॉन्स्टेंट में लिखना है वेरिएबल देख देखना है कौन सा कॉमन है, कॉन्स्टेंट में कुछ भी कॉमन नहीं, थ्री टेन ये कॉमन नहीं होता, मान लीजिए टू है तब कॉमन तो भी नहीं कॉमन होगा, वेरिएबल में क्या है ए कॉमन, ए इधर भी है ए इधर भी है ए इधर भी है, मान लीजिए देखना है ये में सबसे कम पावर वाला कौन है, ए फोर इससे कम किया है क्यूब इससे कम किया है इसका, हमारा कॉमन क्या होगा ए स्क्वायर, मैंने क्या बोला था कॉमन क्या सबसे ये है जो सबसे पावर कम, पावर कम क्या है ए स्क्वायर है, तो मान लीजिए लीजिए मान लीजिए हमारा क्या हो गया कॉमन ए स्क्वायर, कॉमन क्या हो गया ए स्क्वायर, मान लीजिए ब्रैकेट कर दीजिए ए स्क्वायर, इधर क्या है थ्री थ्री का थ्री लिखा जाएगा ए स्क्वायर, मान लीजिए इधर ए फोर हमने कॉमन लिया क्या ए स्क्वायर, तो टू टू या फोर तो क्या बता ए स्क्वायर, हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर, ओके बराबर है। हम मान लीजिए प्लस ए क्यूब है तो मान लीजिए टू है, तो मैंने क्या बोला इंग्लिश रूल में टू प्लस वन क्या होता है थ्री, तो इधर क्या हो गया ए, तो क्या बता ए, बी का बी सेम हो गया माइनस ए स्क्वायर, मान लीजिए टेन ए स्क्वायर कॉमन क्या जाए ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया तो क्या बचा टेन, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर सेम हो गया कॉमन ले लिया। अब देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, अब क्या देखना है इसी भी फर्स्ट में लास्ट मेथड में कोई भी थ्री में क्वाड्रेटिक में आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें सॉल्व करना है, ये थ्री में आ गया तो सॉल्व करना है थ्री टर्म में, मान लीजिए पहले ए स्क्वायर के ए स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए फर्स्ट में लास्ट में सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है देखते हैं, मान लीजिए थ्री टेन या थर्टी मीन्स ए बी इक्वल टू थर्टी, मल्टीप्लाई करने समय क्या आ जाएगा थर्टी, अब प्लस माइनस करने समय क्या वन ए बी, इधर कुछ भी साइन नहीं सके वन ए बी देन थ्री इंटू टेन थर्टी, इधर क्या है साइन माइनस तो माइनस से वन लिया रहा है, तो मान लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू वन लिया रहा है तो थर्टी, मान लीजिए थर्टी थ्री का पावर में टेन हो गया टेन थ्री जा ए नहीं होगा, मान लीजिए थर्टी सिक्स फाइव जा थर्टी माइनस है तो सिक्स माइनस फाइव क्या हो गया वन, सिक्स माइनस फाइव किया हो गया वन तो हो गया देन ए इंटू बी इजल टू थर्टी ए प्लस बी इजल टू वन देन सिक्स माइनस फाइव इजल टू वन तो हो गया। अब करते हैं क्या मान लीजिए बिग ब्रैकेट लेते हैं इसके बाद थ्री ए स्क्वायर प्लस माइनस ए देन सिक्स माइनस फाइव ए बी माइनस टेन बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट
थ्री ए स्क्वायर में थ्री ए स्क्वायर सेम रख दीजिए प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस सिक्स ए बी माइनस फाइव ए बी माइनस टेन बी स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए क्या है हमारा ए स्क्वायर, मान लीजिए अब ब्रैकेट ये हो गया तो मान लीजिए ये भी लिख सकते हैं। अब क्या हो गया थ्री ना ये कर दीजिए थ्री ए कॉमन लीजिए ना, मैंने कॉमन क्या बोला था पहले देख रहे हैं कौन सा लेटर है, इधर भी है इधर भी है, पर देखना कौन सा पावर कम है, इसका पावर टू है इसका पावर वन है, तो मैं क्या लेने वाला था वन, इधर थ्री सिक्स भी कॉमन है थ्री टू या सिक्स, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा थ्री ए, तो थ्री ए मान लीजिए थ्री ए स्क्वायर में क्या आ गया हमारा थ्री ए कॉमन, ये सब कट गया बता क्या हमारा ए, इधर क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री टू या सिक्स तो क्या आ गया हमारा टू बी, तो इधर क्या हो गया टू माइनस माइनस देखिए। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है बी, इसमें भी बी है इसमें भी पावर किसका कम है इसका पावर, अब क्वेश्चन में देखिए फाइव टेन फाइव टू क्या होता है टेन, तो इसमें फाइव भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें क्या हो गया मान लीजिए फाइव बी हमने कॉमन ले लिया, अब क्या है ना माइनस है तो फाइव बी, तो इधर क्या हो गया ए और माइनस माइनस कॉमन है तो माइनस इधर भी, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर साइन क्या होगा मान लीजिए प्लस प्लस क्या हो गया फाइव, इधर क्या है टू बी, ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब मान लीजिए ब्रैकेट का कोई काम नहीं है तो क्या करना है ए स्क्वायर थ्री ए माइनस फाइव बी ए प्लस टू बी इधर रिक्वायर्ड आंसर, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आंसर में क्या करना है सबसे पहले देखना कौन सा वेरिएबल सब में सेम है, मान लीजिए क्या वेरिएबल है हमारा सबका ए, पावर देना किसका छोटा पावर किसका हमारा स्मॉल है इसका, तो इसका हम लेके इसके बाद सबके कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद फर्स्ट मिनट लास्ट मिनट में सॉल्व कर दिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब चलिए अगले वीडियो में और एग्जाम्पल से बैठते हैं, तब तक लिखे बाय बाय।